वेलकम टू स्मार्ट चॉइस सेंटर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए सीखते हैं टैली में एंट्री करना और टैली में कितने प्रकार के भाउचर होते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज है, टाइप ऑफ भाउचर। ठीक है, भाउचर के प्रकार टैली प्राइम में बता दें, भाउचर जो है वो आपके 24 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 24 प्रकार के हैं, जो आपके इस तरह से होते हैं। ठीक है, भाउचर का मतलब होता है बिल, जिस पर हम एंट्री करके हम कस्टमर को या सप्लायर को प्रिंट करके देते हैं, उसी को हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर जो हमें रसीद मिलती है उसी को हम वाउचर कहते हैं। तो ये हमारे 24 वाउचर है जो चार कैटेगरी में बांटे गए हैं। नंबर एक आपका है अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें आपको लेन देन पूरा हिसाब किताब किया जाता है तब रसीद दी जाती है, उसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। दूसरा आपका इन्वेंट्री वाउचर, जो कंपनी के अंदर होती है, जब माल आता है तो बिल का प्रयोग करते हैं कि कितना माल आया है, कितना माल हमारा बेचा जा रहा है। ठीक है, और तीसरा जो आपका है ऑर्डर वाउचर, जब कोई कस्टमर हमारे पास ऑर्डर लिखाने आता है। और चौथा आपका है जो हमारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो कहते हैं पेरोल वाउचर। ठीक है, तो चार कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में कौन कौन से वाउचर आते हैं, ठीक है, मैं उसको एक एक करके समझाता हूँ। कंट्रा वाउचर, जब ट्रांजैक्शन बिजनेस के बीच हो और बैंक के बीच हो, यानी कि हमारे बिजनेस और बैंक के बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी एंट्री हमारी कंट्रा वाउचर में की जाएगी। दूसरा आपका पेमेंट वाउचर है, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि अपने दुकान से किसी को पैसा पे करेंगे तो होगी आपकी पेमेंट वाउचर। जब हम अपने बिजनेस में कोई पैसा किसी से लेंगे, यानी हमारे बिजनेस में पैसा आएगी, तो वो उसको एंट्री हम रिसीव वाउचर में करेंगे। उसके बाद आपका है जमा वाउचर, जब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो मैच ही नहीं होगा हमारे बिजनेस से, तो उसको हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। जब हम माल को सेल करेंगे तो हम सेल वाउचर का प्रयोग करेंगे। जब हम माल खरीदने जाएंगे किसी दूसरे दुकान के पास, हमारी दुकान माल ख़त्म हो गया है, तो उसका एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। जब हम माल सेल करने के बाद कस्टमर हमें वापस करने आएगा तो उसका एंट्री हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में आप करेंगे। डेबिट नोट का जो एंट्री होगा, जब हमारे पास माल आए रहेगा और हमें पता लगेगा कि हमारा माल ख़राब है या हमने जो माल खरीद कर लाया वो आपका ख़राब है, उसको वापस करना है, तो उसका एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। तो ये आपके हो गए वाउचर। ठीक है, हम समझते हैं वाउचर के फॉर्मेट को। ठीक है, कि कौन से वाउचर में कौन सा मोड चालू होगा। कंट्रा, पेमेंट और रिसीव, अगर तीन वाउचर आपके होंगे तो इसमें आपके दो मोड होते हैं, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है आपका डबल मोड। सिंगल मोड की पहचान होती है अकाउंट से, और डबल मोड की पहचान होती है डेबिट और क्रेडिट से। ठीक है, इस मोड को बदलने के लिए आपको कंट्रोल दबा के यस प्रेस करेंगे तो जो आपको इच्छा है उस मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रा, पेमेंट और रिसीव के लिए आपका सिंगल मोड और डबल मोड दोनों होता है। ठीक है, सिंगल मोड में पार्टी का नाम दिया जाता है और डबल मोड में डेबिट क्रेडिट लिखा रहता है। जब डेबिट होगा डेबिट डालेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, फिर आपका अगला जो आपका है परचेज, सेल्स और आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इस मोड को बदलने के लिए भी आपका कंट्रोल एच ही शॉर्टकट की है। इसका जो पहला मोड है वो एज इनवॉइस मोड कहलाता है और दूसरा मोड आपका एज वाउचर मोड कहलाता है। एज इनवॉइस मोड में आपका पार्टी नेम आता है, ठीक है, और वाउचर मोड में आपका डेबिट और क्रेडिट आता है। इस मोड को भी चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल एच का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए मोड को बदलने से का शॉर्टकट्स। ठीक है, अब इसका काम कब लगेगा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम जब एंट्री करेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शन। अब आपको ट्रांजैक्शन करनी है, आपको अपने टैली में पहली एंट्री करनी है, वो आप कैसे करेंगे। तो एंट्री करने से पहले आपको अपने टैली में जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे के सारे ऑप्शन को नो करने हैं, कुछ ऑप्शन को यस करने हैं। तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेनी है, फीचर ऑप्शन में जाना है, F11 दबा करके अकाउंटिंग में जाएंगे, इन्वेंट्री ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट, इन्वेंट्री, ये आपके दो ऑप्शन यस कर लेने हैं
बाकी सबको नो कर देने हैं, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेने हैं। हमको सभी ऑप्शन नो इसलिए करने हैं कि किस ऑप्शन को यस करने से क्या होगा। अगर आपको अच्छे सीखना है टैली प्राइम, तो आपको एक एक ऑप्शन यस करके सीखना होगा। अगर आपके ऑप्शन सारे के सारे यस रहेंगे तो इससे क्या होता है आप जान नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले हम मेंटेन करेंगे अकाउंट अपना, और मेंटेन करेंगे अपना इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब सामान, यानी कि सामान का हिसाब किताब सीखेंगे और आपके खाते का हिसाब किताब सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आपके दो ऑप्शन यस करेंगे, बाकी सारे के सारे ऑप्शन नो रखेंगे। तो चलिए आते हैं गेटअप टैली पर, और वहाँ पे हमको वाउचर बटन पर क्लिक करना है और ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेनी है, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंट्री हम डेबिट और क्रेडिट के मोड में ही करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट में डालेंगे, जो आपका डेबिट होगा उसको हम डेबिट में डालेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपये से, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको खाते बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके दो खाते बनेंगे। पहला खाता आपका बनेगा कैपिटल का, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट की जा रही है, दुकान को प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है, 5 लाख रुपया लगा करके। तो आपका पहला हो गया कैपिटल अकाउंट। दूसरा आपका क्या बनेगा, मतलब क्या लगा के स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 5 लाख रुपया लगा के स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा खाता आपका क्या बनेगा, कैश बनेगा, ठीक है। तो पहला खाता आपका कैश हो जाएगा, दूसरा खाता आपका कैपिटल हो जाएगा। कैश आपकी संपत्ति है और कैपिटल भी आपकी संपत्ति ही है, बट ये जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा और ये आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे तीन अकाउंट आपको बताए गए थे, आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, अकाउंट के प्रकार में आपको समझाया गया है, ठीक है, कि अगर आपका किसी संपत्ति से संबंधित खाता बनेगा तो आपका वो रियल अकाउंट बना जाएगा, अगर आपका किसी व्यक्ति किसी संस्था के नाम से खाता बनेगा तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, अगर कोई खर्चा या इनकम के नाम से कोई खाता बनेगा तो वो नॉमिनल में जाएगा। तो यहाँ पर पहला खाता कैश बना हुआ है, जो एक प्रकार की संपत्ति है, करंट संपत्ति है, इसलिए आपका ये रियल में जाएगा। अब पूंजी जो आपका कोई व्यक्ति लगा रहा है, एक प्रकार के राहुल को इंडिकेट कर रहा है, तो व्यक्ति के नाम से यहाँ पर लिख सकते थे, तो आपका पर्सनल जाता, इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, ये आपका हो गया रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के भी रूल्स हैं और रियल अकाउंट के भी रूल्स हैं, दोनों के रूल्स हैं। इन दोनों के रूल्स से हम निकालेंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो रूल्स ऑफ रियल का कहता है, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। संपत्ति अगर आपके पास आती है, आपके बिजनेस में आती है, तो आपकी डेबिट होगी। अगर आपकी संपत्ति आपके बिजनेस से जाती है तो आपकी क्रेडिट होगी, यानी कि है वो आपके दुकान में आ रहा है कि जा रहा है, ये आपको निर्धारित करना होगा, ठीक है। तो जब आप पूंजी लगा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कैश आपकी संपत्ति आ रही है आपके पास दुकान में आ रही है, इसलिए आपका कैश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट आपका है इसको छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो घटनाएं घटित होंगी उसी को लेकर ही काम करना है। हमेशा दो घटनाएं घटित होंगी जिसमें से आपको एक को चूज करना होगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या हो रही है, कैश हमारे पास आ रही है, इसलिए आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरा आपका जब पर्सनल कहता है, पर्सनल का रूल है कि अगर आप रिसीव करने वाले हो तो डेबिट, अगर आप देने वाले हो तो क्रेडिट। तो आप अपने घर से या किसी से मांग करके क्या कर रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, पूंजी दे रहे हो अपने दुकान में, ठीक है। तो पूंजी आप क्या कर रहे हो, देने वाले हो, इसलिए आपका जो है कैश हो जाएगा डेबिट, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, क्लियर हुआ। ये तो हो गया आपका डेबिट क्रेडिट संबंधित, ठीक है। एक बात और है, इसमें जो आपका कैपिटल खाता है इसको बनाना पड़ेगा। कैश खाता जो है ये पहले से ऑलरेडी बना होता है टैली प्राइम के अंदर, यानी कि दो खाते पहले से बने बनाए होते हैं, एक आपका प्रॉफिट लॉस, एक आपका कैश। ये खाता आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना रहेगा, लेकिन कैपिटल खाते को बनाना पड़ेगा। कैपिटल खाते को बनाना है और इसका अंडर ग्रुप आप लिख लीजिए कॉपी में, कैपिटल का अंडर ग्रुप आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खाता बनाना, डेबिट क्रेडिट करना। अब आगे समझते हैं ये कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी, इसका बिल आप कैसे बनाओगे, ठीक है। कि पूंजी जब लगाई जा रही है तो
अब आपको जितने भी आपके अकाउंट से संबंधित आपके वाउचर थे जो हमने अभी आपको पीछे तुरंत पढ़ा है, अगर पेमेंट किया जा रहा है तो पेमेंट वाउचर, रिसीव किया जाए तो रिसीव वाउचर, सेल किया जाए तो सेल वाउचर हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूंजी को रिसीव कर रहे हैं, पूंजी को हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये जो वाउचर होगा ये रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेलेक्ट द योर वाउचर एंड रिसीव, यानी ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा इसकी एंट्री आप रिसीव वाउचर में करेंगे, जिसका शॉर्टकट की आपका F6 है। ठीक है, देन चेंज डेट, डेट को आप चेंज करेंगे, डेट को चेंज करने के लिए आपका F2 शॉर्टकट की है। फिर आपको डेबिट कौन है उसको आप डेबिट डालेंगे, क्रेडिट कौन है वह क्रेडिट डालेंगे, तो डेबिट आपका कैश, कैश को डेबिट डेबिट और कैपिटल डालेंगे आप क्रेडिट में। ठीक है, और अमाउंट को सेट करेंगे 5 लाख रुपया और नरस में लिख देंगे बिजनेस स्टार्ट और कर देंगे एक्सेप्टेड, आपका पहला एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम प्रैक्टिकल करके कर देखते हैं। तो टैली प्राइम को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो चुका है। ठीक है, ये हमारी कंपनी खुली हुई है स्मार्ट टैली प्राइम। ठीक है, और हमको भाउचर में एंट्री करनी है तो यहाँ से सीधे हम चले आएंगे नीचे भाउचर में, यहाँ पर दबाएंगे इंटर, हमको करना है रिसीव भाउचर में, यहाँ पे आपका पेमेंट खुला हुआ है तो यहाँ पे दबाएंगे F6। ठीक है, और F6 दबाते ही हमारे यहाँ पर रिसीव भाउचर खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ हमको कुछ ऑप्शन यस और नो कर रहे थे। ठीक है, एंट्री करने से पहले कुछ ऑप्शन हमको यस और नो करने थे, F11 प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग से संबंधित आपके पहला ऑप्शन है यस करेंगे, और इन्वेंट्री में पहला ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन यस करके बाकी सभी ऑप्शन नो कर देंगे। ठीक है, ये हमने नो कर दिया। अब हम ट्रांजेक्शन को करेंगे, ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको जाना है वाउचर में, वाउचर में इंटर करेंगे और यहाँ पे हमको करना है ट्रांजेक्शन रिसीव वाउचर में, रिसीव वाउचर यहाँ पर है, या फिर आप एक्सिस दबा करके आप रिसीव वाउचर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्रेडिट कौन था, क्रेडिट हमारा जो था वो आपका कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट नहीं है लेजर ऑफ लिस्ट में, तो ये आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे क्रेडिट पे क्लिक करके बना लीजिए या अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे तो आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिख दिया मैंने। ठीक है, और इंटर दबाएंगे, कैपिटल का अंडर ग्रुप आपका कैपिटल होगा, यहाँ अंडर ग्रुप से आप करेंगे सेलेक्ट कैपिटल अकाउंट, फिर आप इंटर दबाएंगे और कैपिटल यानी पूंजी कौन लगा रहा है तो यहाँ नाम आप लिख सकते हैं, डाउट एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंटर दबाकर एड्रेस लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश और यहाँ पर इंडिया, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुछ पिन कोड आपका। ठीक है, फिर आप इंटर दबाएंगे और ऐसे इंटर दबा के करेंगे इसको एक्सेप्टेड, ये आपका होगा इतना। ठीक, यहाँ पे 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया हमने एंटर दबा करके इसको कर लिया है एक्सेप्ट, और डेबिट आपका कैश था तो यहाँ पर कैश खाता आ गया है, इसको दबाएंगे इंटर और करेंगे इसको एक्सेप्टेड। ये हमारा पहली एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। अब आपको चेक करना है कि हमने जो एंट्री किया कहाँ पर, डेबिट में जाएंगे इंटर दबाएंगे यहाँ पर, ये देखेंगे रिसीव किया हमने 5 लाख रुपये। ठीक है, इसको जाकर बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे, इंटर दबाएंगे और दबा के F1 दबाएंगे, यहाँ डिटेल में दिख जाएगा हमारे कैश में आपका 5 लाख रुपया है और जो 5 लाख रुपया है हमारे कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टैली की पहली एंट्री, यहीं से आपका स्टार्टिंग होता है बिजनेस। ठीक है, अब आपको आगे कल समझाएंगे कि कैसे आपको खरीदना है, कैसे आपको बेचना है, कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आज इतना तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।